छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा विधायक दल ने बेमेतरा जिले के बिरनपुर पहुंचकर मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात की। विधायक दल को मृतक के पिता ने बताया कि धार्मिक हमले में 12 से 13 युवाओं को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई अपराध दर्ज नहीं किया है। वो लगातार पुलिस कांग्रेस के दबाव में अपराधियों का साथ दे रही है। विधायक दल ने वहां के हालात की जानकारी लेने के बाद कहा कि कांग्रेस सरकार बिरनपुर में तुष्टिकरण की नीति के तहत एक समुदाय के आरोपियों को संरक्षण के साथ ही हिंसा के लिए उकसाने वाले मंत्री समर्थक पर कार्रवाई नहीं कर पाई, जबकि हिंदू समाज के बेकसूर युवाओं को संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार कर रही है। उनके परिजनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। सरकार आपराधिक मामले में भेदभाव कर रही है। हम लोग सब आए हैं, पूरा विधायक दल हमारा आया, पूरी टीम के साथ आए हैं और उनके परिवार से, भुवनेश्वर के परिवार से मुलाकात, उनके पिताजी, उनके माताजी से, उनके भाई से। जिस प्रकार वीरनपुर को छावनी बना के रखा गया है, किस प्रकार आतंकित किया जा रहा है, और जो नाम इन लोगों ने दिया है, जिन लोगों के अपराधी हैं, पहले दिन से ही उन्होंने 40 नाम दिया है, उसी 40 लोगों में 11 लोगों पे ही कार्रवाई हुई, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है, खुला घूम रहे हैं, और जो आइडेंटिफाइड लोग हैं उनको भी कार्रवाई हुआ। बल्कि दूसरे पक्ष से जो भुवनेश्वर के साहू के साथ वाले लोग और उनके परिवारजन या साहू समाज या अन्य समाज के लोग जो हैं, उनके ऊपर पूरे 36 से ज्यादा केस बन चुके हैं। कम से कम 36 लोगों को अभी तक उठा लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और जो भी थोड़ा बहुत बोलता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की भेदभाव यदि होगा तो राजनीतिक दृष्टि से यदि गुणदोष के आधार पे काम करेंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग भी कल बैठ के निर्णय लेंगे। ठीक है।